How to set fingerprint, face lock passcode or screen lock passcode in any Oppo mobile. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट या फिर फेस लॉक या फिर स्क्रीन लॉक या फिर प्राइवेसी पासकोड कैसे सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासकोड। तो ये तीनों को कैसे सेटअप करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना लॉक स्क्रीन कैसे करना है। लॉक स्क्रीन के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन पासकोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है, ठीक है। पासकोड नया बनाना है, फिर से आपको भर देना है। तो यहाँ पे मैंने भर दिया अपना पासकोड। ये पासकोड भरने के बाद में यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी भरने के लिए बताया जाएगा। बेसिकली जब आप अपना पासवर्ड भूल जाती हो तब आपको रिकवर करने के लिए ये ईमेल आईडी चाहिए होगा, तो आप भर सकती हो। फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैं अपना स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और इसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है, इसे मैं फट से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड खुल चुका है। अभी मैं बैक चले जाता हूँ। अभी सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिया गया है दोस्तों, प्राइवेसी पासकोड। प्राइवेसी पासकोड यहाँ पे, प्राइवेसी पासकोड पे यहाँ पे आपको टर्न ऑन दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे टर्न ऑन प्राइवेसी पासकोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको भरना है आपका नया पासवर्ड। भर दीजिए, बना दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पासकोड बना दिया और यहाँ पे आपको अपना टीचर का नाम भरने के लिए बताया जाता है। तो टीचर का नाम भरने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना सिंपल अपना नाम भर दीजिए ताकि आपको बाद में रिकवर करने में परेशानी ना हो। ये इसलिए आपको देना होता है, यदि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाते हो तब आपको जो है उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए से आप जो है अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अभी और यहाँ पर आपको ऐप पर जाने के बाद में यहाँ पर आपका ऐप जो है इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ की हो गया आपका व्हाट्सअप, व्हाट्सअप को मैंने इनेबल कर दिया। अब क्या होगा, व्हाट्सअप को यदि मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी पासकोड लग चुका है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेसी पासकोड यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी मैं बैक चले जाता हूँ। बैक आने के बाद में दोस्तों अभी हम देखते हैं फिंगरप्रिंट कैसे सेटअप करना है। फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले तो आपका स्क्रीन का जो लॉक है वो लॉक आपको यहाँ पे भरना होगा। यदि आपका लॉक नहीं है तब आपको यहाँ पे लॉक बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने दिया, आपको यहाँ पे ऐड ए फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपका फिंगरप्रिंट का ऑप्शन कहाँ पे, किसी का यहाँ पे सामने होता है, किसी का पीछे पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका हाथ जो है यहाँ पर लगा के रखना है। जब वाइब्रेशन होगा, ये प्रेस करते वक्त आपका आपको हाथ में वाइब्रेशन होगा, तब आपको छोड़ देना है। वाइब्रेशन होगा, छोड़ देना है, छोड़ते छोड़ते ये ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन होगा, छोड़ देना है। अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको पीछे प्रेस करना है, यहाँ पे ऐसे प्रेस करते रहना है, ठीक है। तो ये प्रेस करने पर अभी नीचे का जो है हमारा रेखा ले लेगा। तो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड हो चुका है। अभी फिंगरप्रिंट को आप कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अनलॉक एप्लीकेशन लॉक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेसी सेट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कि मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑफ हो चुका है। अभी इसे मैंने ऑन किया और यहाँ पे मैं अपना, देखिए यहाँ पर लॉक सेट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर अपना उंगली डालूँगा तो ये ऑन हो चुका है, आप देखिए, ठीक है। ऑफ़ किया मैंने और यहाँ पर मैंने इसे ऑन किया और इसे मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ और मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया, ऑन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये था फिंगरप्रिंट। अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाके हम देखते हैं आगे का जो है फेस पासकोड देखते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट तो हो चुका है, अभी फेस पासकोड कैसे करना है। फेस कोड पे जाना है, आपका पासवर्ड जो है वो भर देना है, स्क्रीन लॉक का पासकोड। उसके बाद आपको यहाँ पर एनरोल फेस पर जाना है और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आप जो है जिस वक्त आपका फेस आपको यहाँ पे शो करना होगा, इसलिए ब्राइटनेस आपका सही होना चाहिए, ठीक है, लाइटनिंग सही होना चाहिए ताकि आपका जो है फेस अनलॉक करते वक्त आपका फट से डिटेक्ट हो जाए। तो कंटिन्यू करना है और आपका फेस यहाँ पे शो करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फेस आ चुका है। तो फेस आने के साथ साथ यहाँ पर ओके हो चुका है, ठीक है। अभी फेस लॉक आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया है। फेस लॉक आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर एक तो आप एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्राइवेट सेफ और अनलॉक के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैं इसे बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे बंद कर दिया और यहाँ पे मुझे पासकोड मांगा जा रहा है। देखिए इस मोबाइल को मैं अभी मेरे फेस की तरफ मैं टर्न ऑन कर दूँगा। टर्न ऑन करने के साथ साथ ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखा आपने। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है आसानी के साथ अपना फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक और प्राइवेसी पासकोड वगैरह और फेस कोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।